हमारा दिल्ली का 2 दिन का ट्रिप खत्म हो चुका है और हम को तो बहुत मजा आएगा क्योंकि इसको जाना था दिल्ली, दिल्ली करा था कब से। मुझे तो काफी मजा आया, मुझे काफी टाइम से जाना था दिल्ली। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर सलोनी को जाना था और उस जगह का नाम है आगरा। और आगरा क्यों आते लोग? ताजमहल देखने, तो हम भी उसी के लिए आए। एनी ताजमहल ही नहीं देखेंगे, बहुत सारे कुछ देखेंगे और काफी सारे आगरा फोर्ट है, काफी सारी चीजें वो आगे आपको बता ही देंगे हम लोग क्या क्या घूमने वाले। सो आपको लेके मेहताबाग पहुंच चुके हैं और हमने पूरे दिन के लिए ऑटो भी कर लिया है जिसका हमने 500 भरा है। मतलब और वो ऑटो पड़ेगा, मतलब पूरे दिन एक ही ऑटो में घूमो, वो मतलब वेट भी करेंगे, फिर जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ पे भी ड्रॉप कर देंगे। मेहताबाग घूमते हैं और हाँ, मेहताबाग का एंट्री प्राइस है 20 रुपीज और अगर आप बिना टिकट के पकड़े गए तो आपको यहाँ पे 5000 का फाइन भरना पड़ेगा। और ये मेहताबाग फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से आपको ताजमहल का बैक व्यू दिखता है, तो हम भी वही देखने आए तो देखते हैं। कम लोग आते हैं देखने के लिए। हाँ। और बहुत अच्छा व्यू मिलता है, तो मतलब ताजमहल भी कर लो और फिर ये भी कर लो, ताजमहल का बैक व्यू भी मिल जाएगा, आपके अच्छे फोटो भी आ जाएंगे। तो चलिए जाते हैं, कुछ फोटो भी। मेहताबाग आना है तो आई सजेस्ट यू कि शाम के टाइम में आना, क्योंकि दोपहर को मतलब वो लाइट्स प्रॉपर नहीं मिलेंगे फोटोज़ के लिए, शाम का पीरियड बेस्ट होगा। सो प्लीज़ डू विजिट एट इवनिंग, काफ़ी अच्छे फोटोज़ आएंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बस अभी देखते हैं कहाँ पे जाना है। अभी हम जिस जगह पे हैं उस जगह को मिनी ताज के नाम से भी जाना जाता है और उसकी स्टोरी कुछ ऐसे है, जो स्टोरी है वो आपको सलोनी बताएगी। मैं बताऊँ? हाँ तू ही बताएगी। चल हाँ तू ही बताएगी। जाना यार, बता ना तू क्या नाटक कर रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, उसकी स्टोरी मैं ही बता देता हूँ। इस जगह को मिनी ताज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि शाहजहां ने उनकी बेगम मुमताज के लिए ये बनाया था और मुमताज जी को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, तो इसके लिए शाहजहां ने उनके लिए अलग से उनकी याद में एक ताजमहल ही बना दिया। ये भी अच्छा है वैसे ही, इसमें भी कुछ बुरा ही नहीं थी, लेकिन इसकी कार्विंग्स, मेरे को इसकी कार्विंग्स काफी अच्छी लगी। बहुत अच्छी डिजाइन एंड ऑल है, वो काफी अच्छे है उसके, मतलब जो मार्बल्स के जो डिजाइन। क्या बना रहे मेरे लिए? हाँ
मैं जो चाहिए तेरे को वो बना दूंगा, बस बिल तू ही भर दे। देखा ये होता है हमारे जमाने में। हाँ, तो आज तू क्या बन, तू मेरे लिए क्या बना रही, क्या चाहिए तुझे बोल, मेरे को जो चाहिए तू बनाएगी। तुझे क्या क्या बनाऊं मैं? हाँ। क्या बस बनाने बनाने को कुछ नहीं, क्या चाहिए बोल, मेरे लिए एक दूसरा ताजमहल ही बना दे। नहीं ज्यादा हो गया। क्यों तू बना सकता है? देखा ऐसे होता है जब बोला। हाँ बना सकता है ना, मैं चिल्ला क्यों रही हूँ, बना सकता है अपने। हाँ। इधर दिवाली में बनाते ना। हाँ हाँ। किला वैसा कुछ तो तेरे लिए मैं यही एक्सपेक्टेड था तुझसे। एनीवेज आपको मिलते हैं अभी दूसरे जगह पे। जहांगीर महल है और वो जो आप ये देख रहे हो ये जहांगीर का बाथ टब है और गवर्नमेंट ने इसके लिए डिस्प्ले के लिए बाहर रखा है ताकि आप कॉमन मैन देख सकते हो। ऐसे कुछ दिखता था जहांगीर का बाथ टब और ये सिंगल स्टोन से बनाया हुआ है। ये शाहजहां का महल है ये वाला, और ये वाला डाइनिंग हॉल है। अब ये देख रहे हो ये जो विंडो है ये अभी सब मतलब बंद है ये विंडो, और अगर आप इसके अपोजिट साइड जाके देखोगे तो ये विंडो आपको ओपन दिखेगा। ये देखो ये विंडो यहाँ पे ओपन दिख रहा है क्योंकि इसको बोलते हैं मैजिकल विंडो। वो टाइम पे अगर गर्मी होता था तो उन लोग यहाँ से मतलब हवा आता था और फिर ये पूरा रूम कूल हो जाता था। वो टाइम पे एसी कूलर वगैरह कुछ नहीं था। अभी जिस जगह पे हम लोग हैं वहाँ पे आपको ना डायगनल पिलर्स पे ना आवाज़ आता है, तो एक पिलर पे मैं जाऊँगा, एक पिलर पे सलोनी जाएगी डायगनल पिलर्स पे, तो तू वो पिलर्स पे जा, वो पिलर पे जा, और मैं ये पिलर पे जाने वाला डायगनल। सलोनी वहाँ से मेरे को कुछ तो बोलेगी तो आपको यहाँ पे सुनाई देगा। फिर से बोल। हाँ हाँ वेलकम बैक वेलकम बैक। तो आई गेस आप लोगों को सुनाई दिया होगा, सलोनी देखो अभी भी वहाँ है और आप लोगों को सुनाई दिया होगा। उसके लिए कैसे बनाया है ये पता नहीं, बट जो भी बनाया एकदम अमेजिंग था। एकदम कैसा लग रहा है तेरे को? तो ये बहुत अच्छा लगा, मतलब इम्प्रेसिव बोल सकते हो, बहुत सही लगा। मतलब वहाँ से अगर बोलोगे तो यहाँ पे सुनाई देगा मस्त। जो फाउंटेन है जो मेरे पीछे, आप लोग ये सोचते होंगे कि वो टाइम पे ये फाउंटेन में पानी कैसे आता था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका रीज़न ये है कि जो आप ऊपर जो ये वाइट कलर का जो देख रहे हो वो टैंक है। जब वो टैंक से पानी यहाँ पर छोड़ा जाता था पानी भर के, तो ये यहाँ से पानी ऊपर आया करता था फाउंटेन से। जो जहाँ पे भी राजा को जो खास आदमी होते, खास मीटिंग करनी होती थी उसे, तो वो यहाँ पर उसके खास आदमियों को, वजीरों को, आलम जिस जो थे उसके यहाँ पे आते थे और यहाँ पे उनकी मीटिंग होती थी। ये जो देख रहे हो आप, जो पालकी जैसा दिख रहा है आपको रूम, ये राजा ने उसकी दो बेटियों के लिए बनाया था, दोनों के लिए सेम बनाया था। और दोनों की खासियत ये है कि अभी मैं आपको बता, तो आपको यहाँ पे आकर ही उसका जो नज़ारा है वो आपको एक्चुअली समझेगा। आपको यहाँ से ताजमहल भी दिखता होगा, यहाँ से आपको ताजमहल दिख रहा है, आपको यहाँ पे छोटा दिख रहा है। जैसे जैसे आप पीछे जाओगे वैसे वैसे ताजमहल आपको बड़ा दिखेगा। आई होप ये कैमरा में कैप्चर ना ही होगा शायद से, बट आपको ये यहाँ पर आके ही समझेगा। फिर भी मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए।
अभी आपको ताजमहल यहाँ से कितना दूर से आपको कितना बड़ा दिख रहा है, कितना साइज में बड़ा दिख रहा है, उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका इल्यूजन टाइप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हो। क्योंकि आप जब ताजमहल वहाँ विंडो से देखते हो तो आपको ताजमहल वहाँ पे उसका आजू बाजू का जो नज़रिया है वो सराउंडिंग्स है उसके वजह से आपको वो छोटा दिखता है। जैसे जैसे आप वो सराउंडिंग से वो आजू बाजू के एरिया से पीछे आओगे तो आपको ये ताजमहल बड़ा दिखेगा। और ये जो जो आपको जो ये फ्लोरिंग्स दिख रहे हैं, ये जो फ्लोरिंग्स दिख रहे हैं वो स्लोपिंग फ्लोरिंग्स है ताकि आपको ये जो व्यू है प्रॉपर मिल सके इसके लिए। और वो टाइम का आर्किटेक्चर क्या था ये कुछ देखने लायक है। ब्रिटिशर्स लोग जो बोलते हैं, टूरिस्ट गाइड जो थे यहाँ के, वो बोल रहे थे कि ब्रिटिशर्स लोग स्पेशली ये व्यू के लिए ही आते हैं यहाँ देखने के लिए कि ऐसा कैसे बनाया होगा उन्होंने। ये जो गार्डन देख रहे हो आप लोग, ये गार्डन को अंगूरी बाग बोला जाता था। क्योंकि अंगूरी बाग इसलिए बोला जाता है क्योंकि पुराने ज़माने में राजाओं के लिए, जो मुगल राजा जो थे उनको वाइन पीना ज़्यादा पसंद था, इसके लिए वो जो वाइन के लिए जो ग्रेप्स जो थे यहीं पे उगाए जाते थे ताकि उनको कहीं बाहर जाना ना पड़े। अभी भी आने को लेट हुआ है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है रेड फोर्ट में। और अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 4:45 को बंद हो जाता है। इसलिए हमने वो क्यू अवॉइड करने के लिए हमने ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लिया ताकि उसमें टाइम ना चला जाए, वो अवॉइड कर लिया और ऑनलाइन टिकट बुक कर दिया। और आपको ये खरीदना पड़ता है ताकि आप, 10 रुपीज का मिलता है और अंदर 20 रुपीज का मिलता है, तो आप बाहर से ही 10 रुपीज का खरीद लो। शूज को ये कवर करने के लिए, सो दैट ताजमहल खराब ना हो, उसका व्हाइट मार्बल जो है वो खराब ना हो। और अगर ये नहीं रहेगा तो हम अलाउ नहीं करेंगे आगे, मतलब जाने के लिए। सो ये भी अगर आप आ रहे हो तो ये लेना पड़ेगा, कंपलसरी है। हाँ, तो अभी देखते हैं जिसका इंतजार था वो फाइनली मैं देख रही हूँ। लेट्स सी। कैसे लग रहा है फिर ताजमहल देख के? और तो ताजमहल के बैकग्राउंड में खड़ी रह के व्लॉग कर रही है तो कैसे लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मैंने फोटोज भी खींचे हैं तो मैं डाल दूंगी इंस्टा पे, तो देख लेना। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज जाओ और जरूर इसे फॉलो करो। मुमताज जी ने शाहजहाँ से 3 प्रॉमिसेस लिए थे। उसमें से सबसे पहला प्रॉमिस था कि वो कभी किसी से शादी नहीं करेंगे। दूसरा प्रॉमिस ये था कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रॉमिस ये था कि उनके याद में एक ताजमहल बना दिया जाए। और ताजमहल को बनने के लिए कम से कम 9 साल लगे। बात तो सुनी होगी कि शाहजहाँ ने अपने ताजमहल बनाने वाले वर्कर्स के हाथ काट दिए गए थे, बट वो एक्चुअली एक रूमर्स है, उनके हाथ नहीं काट दिए गए थे। वो एक जस्ट पेटिशन टाइप वो एक था, वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप था, वो साइन किया था कि शाहजहाँ की दिली इच्छा थी कि जो ये ताजमहल बनाने वाले जो वर्कर्स है वो सेम ताजमहल कहीं और किसी और के लिए बना ना पाए। इसके लिए उनको दरबार में बुलाया गया और जितने पैसे चाहिए थे उन्हें या चांदी सोना जितने चाहिए थे उतने दे दिए गए थे। और उन्होंने उसके बाद ऐसा कभी मॉन्यूमेंट कभी बना नहीं। एनीवेज, इफ यू लाइक अ वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय।